आज की इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। चाहे आप आईफोन चलाते हैं या एंड्रॉयड चलाते हैं, व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं, ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कैसे अपने फोन की मदद से किसी भी पर्सन से जो कि दूसरे देश का है, वो अगर इंग्लिश में बात कर रहा है और आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो उससे इंग्लिश में कैसे बात कर पाएंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। लाइव प्रूफ मैंने करके दिखाया है। ये वीडियो पूरी जिंदगी आपको मदद करेगी। अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं तब भी आप सामने वाले से बात कर पाएंगे एक सॉफ्टवेयर, एक ट्रिक की मदद से, ठीक है ना। वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। आईफोन के यूजर हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके लिए भी इसमें ट्रिक है। तो यहां पर देखिए, मुझे मैसेज किया गया इंग्लिश में, तो यहां पर देखिए ये समझ लो दूसरे देश का आदमी, इसने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैं ये प्रूफ करने के लिए आपको मैं यही कर सकता हूं। ये मेरा फोन है, ये मेरा ही फोन है, लेकिन इसे समझ लो कि अमेरिका या कहीं का ये पर्सन है या जर्मनी का, और वो इंग्लिश में मुझसे पूछ रहा है। इसने मुझे मैसेज किया, क्या मैसेज किया, हाय ब्रदर, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। लेकिन आपको मान लेते हैं इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, ये जो मैंने पढ़ा अभी, मान लो वह भी नहीं आपको आता है, तो अब देखिए मुझे भी नहीं आता है इंग्लिश में ये क्या आप मुझे बोल रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने रख दिया, तो ऊपर में कह रहा है नमस्ते भाई, फिर दूसरा उस पे मैंने रख दिया, कह रहा है आप कैसे हैं, फिर तीसरा मैं देख लेता हूं, ओ तीसरा में पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, फिर ये बड़ा सा जो लिखा है इसमें क्या है देख लेते हैं, मुझे भारत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मैं कैलिफोर्निया से हूँ। ओ ये मुझे कह रहा है, वो अमेरिका वाला पर्सन मुझे कह रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है, मेरा मतलब मैं कैसा हूँ पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि भारत के बारे में इसको कुछ जानकारी चाहिए, और ये कैलिफोर्निया से है। तो अब इसको जवाब हम कैसे देंगे, क्योंकि हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो देखिए अब जवाब देने के लिए भी बताते हैं आपको, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, सॉरी लाइक पे क्लिक कर दें। ये देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में लिख दीजिए इंग्लिश सीखें, लिख दीजिए, या तो एक और कमेंट आपको लिख देनी है, ये लिख दीजिए इंग्लिश लर्निंग, या तो आप हिंदी में कमेंट करिए, इंग्लिश में कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए खुला है, आप जरूर कमेंट करें। अब बात आ गई कैसे हम इस ट्रिक को कर पाएंगे। व्हाट्सएप आपके फोन में है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियो आप देख रहे थे ना, इस पे क्लिक करिए, नीचे ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, सेटिंग को करना जरूरी है। तो अब सेटिंग मैं आपको बताता हूं। ये जो ऐप है इसको मैंने ओपन किया, आप भी इस तरह से ओपन कर लेना। ऊपर में देखो ये लाल दिखेगा, टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी, इस पे क्लिक करिए, और ये देखिए ये बोल रहा है इसको चालू करने, कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर इस पे क्लिक करिए हाई ट्रांसलेट। आपको ये यहां पे नहीं दिखता है ना, तो नीचे करके देखिए, कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो ये मुझे मिल गया, क्लिक करना है, ऑन कर देना है, ये देखिए बंद है अभी, इसको मैं चालू मैंने कर दिया, चालू हो गया, बैक कर दीजिए, बैक आ जाइए, हो गया काम। अब जो मेन सेटिंग है वो देखो, यहां पे हिंदी है, इधर इंग्लिश है, मुझे हिंदी से जर्मन लैंग्वेज या जापानी लैंग्वेज में बात करनी है तो मैं यहां पे जापानी सिलेक्ट में कर दूंगा, ये मैंने क्लिक किया। नीचे देखिए बहुत सारे हैं, अरबिक हैं, जो सऊदी अरब का जैसे अरबी वगैरह होता है कतार का, तो वो सब भाषा भी, जापानीज, इटालियन, इंडोनेशियन, बैंकॉक का जो लैंग्वेज है वह सब है, इंडोनेशियन वही हो गया, थाई लैंग्वेज उसको बोलते हैं बैंकॉक का, लेकिन हमें इंग्लिश में, हमें दूसरे लैंग्वेज से मतलब नहीं है। हमारा जो है वो हिंदी है, तो हिंदी इधर है लिखा हुआ और ये इंग्लिश है, सिंपल है ना, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगा। वीडियो देखिए थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिए। एक चीज हो गया, इस पर क्लिक कर दीजिए बस एक बार,
एक बार दबा दीजिए। ये देखिए आ गया ना टी, ये दिख रहा है ना टी आ गया। बैक आ जाओ, अब हो गया काउंट। अब चैट में चलते हैं। अब इसने जो मैसेज किया, मतलब ये अमेरिका वाला आदमी जो मुझे मैसेज किया, अब इसका जवाब देते हैं। कैसे देंगे जवाब? कीबोर्ड में जाइए और देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इसका भी जवाब में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं रखूँगा यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, नहीं यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको तुम कौन हो। ये मैंने उसको किया तुम कौन हो। अब इसको इंग्लिश में मुझे करना है क्योंकि ये हिंदी है। यहाँ पे रखो, रख दो। अभी देखो, ओ ये ऐसे में नहीं काम। ओ तुम की जगह मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया यार, तुम ऐसे रख दो। तो दोस्तों ये इंग्लिश इसको बोलते हैं, ऐसे में ये काम नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए तुम कौन हो। ये मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, डालेंगे तो डाल दीजिए। अब यहाँ पे इसको रख दीजिए, बस उठा के ऐसे रख के इस पर रख दो। हु आर यू, हो गया ना इंग्लिश। अब देखो ये मैंने मैसेज किया, इसको मैसेज भी आ गया। फिर मैं लिखता हूं तुम मुझसे भारत के बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये मैंने लिख दिया हिंदी में, तुम मुझसे भारत के बारे में क्यों पूछ रहे हो। अब इसको उठा के, ये देख रहे ना इसको, इसको बस रख दो। ये देख लो, इंटरनेट चालू रखना, वैसे भी व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के नहीं चलता है यार। व्हाई आर यू आस्किंग मी अबाउट इंडिया, वो भी समझ गया, हमने भी इसको इंग्लिश में कर दिया, दोनों का काम हो गया। कितना आसान और बेस्ट है। और एक चीज, ये जो मैं लिख रहा था इंग्लिश में, अब यहां पे देखिए पूरा हिंदी, अगर आप हिंदी कीबोर्ड से लिखते हैं तो यही ठीक है आपके लिए। मैं यहां पे देखिए लिखता हूं यार, लेकिन मुझे ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। मैं लिखता हूं फिर उसके बाद दिखाता हूं। ये देखिए, तुम कहां रहते हो फिर से बताना, ये मैंने लिखा। फिर यहां पे लिख दीजिए बताना, फिर ये मैं कट कर देता हूं। हाँ अब इसको मैं फिर से रख देता हूं। वेयर डू यू लिव, टेल अगेन। हाँ तुम कहां रहते हो फिर से बताना, तो यहां पे टेल अगेन, ये फिर से मतलब ये मैं पूछ रहा हूं। हो गया, देखा आपने इंग्लिश कितना आसान तरीके से कन्वर्सेशन हो गया। अगर आप इंग्लिश का जीरो हैं, आप इंग्लिश नहीं भी समझते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आपको दोस्तों इस ऐप का लिंक तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लाइक कर दीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, घंटी बटन दबा दीजिए। और एक टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, पहले कमेंट करिए उसके बाद मैं टिप्स देता हूं। कमेंट में आपको लिख देना है बेस्ट इंग्लिश, बेस्ट इंग्लिश लर्निंग ट्रिक। ये कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट इंग्लिश लर्निंग ट्रिक। अब ट्रिक की ओर चलते हैं, जो मैं आपको टिप्स दे रहा था वो टिप्स यह है दोस्तों, जो भी आप लिखेंगे उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे आप इंग्लिश में और भी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय।